We are going to do the exercise portion of chapter 7, that is being cheerful. Okay, so the first question is tick the correct answer. Three options are given in each question, you have to tick the correct one. Okay, so the first question is who is Tia? Tia kaun hai pucha ja raha hai? Bird, insect or animal? Tia kaun tha? Bird thi. Okay, option A, bird. Okay, second question, who is Tia's friend? Tia ka dost kaun tha pucha ja raha? Crow, parrot, pigeon. Answer is option A, crow. Okay, so tick option A, crow. Third question, what should we do when we encounter problems? Greet them cheerfully, pray to God, run away. इसमें पूछा जा रहा है क्या करना चाहिए जब हम प्रॉब्लम से घेरे रहते हैं या प्रॉब्लम्स हम पर आ जाती है. ग्रीट देम चेयरफुली, प्रे टू गॉड, रन अवे. वी शुड ग्रीट देम चेयरफुली. ओके, हमें उसे स्माइल करके, हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करके हमको सिचुएशन हैंडल करना चाहिए. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. सम वर्ड्स आर गिवन हियर, यू हैव टू राइट फ्रॉम देयर. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बर्ड हैड डैश चिक्स. अ बर्ड हैड टू चिक्स. टिया के पास कितने चिक्स थे? टू. सेकेंड क्वेश्चन, जैक द क्रॉ इज टियास डैश. जैक क्रॉ का क्या था? नेबर था. ही वॉज अ नेबर ऑफ टिया. जैक वेंट टू टिया फॉर डैश. जैक टिया के पास क्यों गया था? एडवाइस के लिए. ओके, जैक वेंट टू टिया फॉर एन एडवाइस. प्रॉब्लम्स आर लाइक अवर डैश. प्रॉब्लम्स आर लाइक अवर गेस्ट. प्रॉब्लम्स हमारे गेस्ट की तरह होती है, हमारे मेहमान की तरह होते हैं. लोग सबके घर आते जाते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, फिर जाता है. कौन? प्रॉब्लम्स. ओके, दैट्स वाई प्रॉब्लम्स आर लाइक अवर गेस्ट. वी शुड प्रे टू गॉड टू गिव अ स्ट्रेंथ टू फेस द सिचुएशन बोल्डली. ओके, हमें भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि भगवान हमें स्ट्रेंथ दे. ओके, सो वी कैन हैंडल और वी कैन फेस एनी सिचुएशन बोल्डली. Write T for true and F for false. Okay, Tia had four chicks. No, false. Tia had only two chicks. Jack was very happy. No, Jack was very upset. So false. We should lose hope when we are in trouble. No, we should not lose our hope when we are in trouble. So false. We should greet the problem cheerfully. Yes, so true. Tia helped Jack. Yes, Tia helped Jack. So true. Okay, सो नेक्स्ट, मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. आपको वर्ड्स सेंटेंस बनाने हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं गए उसमें से. सो द फर्स्ट वर्ड इज चीयरफुल. आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखी हूँ वही आपको लिख के देना है. ठीक है, सो मैंने लिखा है सीता इज अ चीयरफुल गर्ल. अपसेट, ही वॉज अपसेट अबाउट हिज ब्रदर. एडवाइस, कैन यू गिव मी सम एडवाइस? ही गिवन मी वेरी गुड एडवाइस. ओके, कुछ भी लिख सकते हो. स्माइल, we should always keep smile on face. Okay, so these are the questions. Write down in your book. Okay, thank you.